एयर इंडिया AI-173 दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को 6 जून को 216 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ी, लेकिन बीच रास्ते में उसके एक इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और उसका रूट बदलकर उसे सबसे करीबी एयरपोर्ट रूस के मगदान में उतारना पड़ा। सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन परेशान भी हैं। यहां से निकलने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम है, नीचे लेती हूँ तो मुझे ठंड लग गई है, तो आज सांस नहीं ले पा रही, बहुत परेशान हूँ और डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, क्या करूँ मैं। और हमारे बच्चे भी बहुत चिंतित है और हमें जल्दी से जल्दी जहाँ से भेजा जाए। इस बीच एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर पूरे मामले की जानकारी भी दी है। कहा है, तकनीकी खराबी के कारण विमान रूस के मगदान में उतारना पड़ा, स्थानीय अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया। यह एयरपोर्ट दूर दराज इलाके में है और आसपास बहुत सुविधाएं नहीं है। आसपास के होटलों में यात्रियों को जगह दिलाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण पास के मेकशिफ्ट जगह पर उन्हें रखा गया है। न मगदान में और न ही रूस में एयर इंडिया का कोई स्टाफ है, ऐसे में जो सबसे बेहतर संभव है वो सुविधा दी गई है। मुंबई से एक फेरी फ्लाइट इन यात्रियों को लेकर अब सैन फ्रांसिस्को जा रही है। इस फ्लाइट में यात्रियों के लिए खाना और बाकी जरूरी सामान भी ले जाया जा रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि रूस में एयर इंडिया का कोई भी प्रतिनिधि क्यों नहीं है, लेकिन सबसे राहत की बात ये है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली से कादंबिनी शर्मा, NDTV इंडिया।